Hey guys, how are you all? Let's start our new lecture on isothermal process. Okay, so isothermal process is a thermodynamical process in which pressure and volume of the system change at constant temperature is called isothermal process. Okay, so there pressure and volume of the system change at constant temperature. This is a very specific point. Okay, you have to note this. A thermodynamical process in which pressure and volume of the system change at constant temperature is called isothermal process. Okay, तो यहाँ पर हम प्रेशर को और वॉल्यूम को चेंज कराएंगे एक सर्टेन कांस्टेंट, ठीक है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम चेंज कराएंगे, यानी कि पी जो है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू वी. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो लॉ होता है दैट विल बी बायल्स लॉ. तो बायल्स लॉ क्या कहता है? पी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी. सो पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. तो ये हमारे पास लॉ जो है ये डिफाइन करेगा इस पूरे प्रोसेस को. ओके, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. एंड आइसोथर्मल प्रोसेस ऑब्वियस बायल्स लॉ, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट है द वॉल ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग सो दैट फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कैन टेक प्लेस. ओके, द वॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग. तो यहां पर ये कंडीशन है कि जो हमारे पास कोई कंटेनर है, जिस जो सिस्टम हमने बनाया है, अगर कोई कंटेनर है तो उस कंटेनर का जो वॉल है, ठीक है, वो कंडक्टिंग, परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है, ताकि फ्री एक्सचेंज हो सके हीट का बिटवीन सिस्टम सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओके, कैन टेक प्लेस. द प्रोसेस मस्ट बी वेरी स्लो सो एज टू प्रोवाइड सफिशियंट टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट. तो स्लो होना चाहिए, ये कंपल्सरी स्टेटमेंट है कि प्रोसेस स्लो होना चाहिए ताकि वहां पर जो अंदर हीट वगैरह मिल रही है तुम्हें वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सके ना. तो हीट जो है एक्सचेंज होना चाहिए सराउंडिंग के साथ, ये कंपल्सरी कंडीशन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. ओके, तो स्लो होना चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग चैम्बर होना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि कंटेनर परफेक्टली कंडक्टिंग बॉडी का बना होना चाहिए ताकि फ्री एक्सचेंज हो हीट का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच. बायस लॉ यूज होता है और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर वर्क करता है. ओके, सो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये कुछ सर्टेन कंडीशंस थे. अब हम लोग स्लोप देखेंगे, स्लोप ऑफ पीबी कर्व. तो इसके लिए हम पीबी कर्व बनाएंगे क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आपने देख ही लिया. ओके, तो यहां पर हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन हम फॉलो करते हैं, यानी कि पीबी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. आप कोई भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे उन सभी क्वेश्चन में पीबी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हम फॉलो करेंगे फॉर द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम. ओके, तो अब यहां पर पीबी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हमें मिला है तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, एक ग्राफ. तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा. ओके, जैसे अगर टेम्परेचर हम ले T1, T2, T3 और उनमें रिलेशन कुछ ऐसा हो, T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3. तो T3 अगर सबसे बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है उसका कर्व जो है पीवी कर्व वो सबसे ऊपर होगा, और T2 का उससे नीचे और T1 का उससे भी नीचे, क्योंकि कम है सबसे. ओके, और स्लोप आपको देखना है तो ऑब्वियसली बात है एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग जो है थीटा हम देखते हैं, ये तो होता है मेथड. तो यहां पर कुछ पॉइंट हमें मिला है वी. ओके, तो वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और सिस्टम. ओके, तो यहां पर हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा क्योंकि हमें पता है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v. तो 1/v ये अकॉर्डिंग हमारे पास कर्व मिला है इसका पीवी कर्व. ओके, तो पीवी हमारे पास इतना मिला, स्लोप हमें निकालना है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट अगर करें तो एक हम इसको फर्स्ट वेरिएबल मानेंगे और सेकेंड वेरिएबल वी को मानेंगे. तो अगर दो वेरिएबल्स हमारे पास हो और उनका मल्टीप्लीकेशन हो तो हम अगर उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहां पर सबसे पहले पहला वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, फिर दूसरे वेरिएबल का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं. चलो देखते हैं. तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो अगर आप पहले वेरिएबल को लिख दें और दूसरे वेरिएबल का हम डिफ्रेंशिएशन करें तो डीवी अपॉन डीवी होगा. तो यहाँ पर डीवी अपॉन डीवी यानी कि वी का डिफ्रेंशिएशन वी के अकॉर्डिंग, हाँ, तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी. जैसे हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी 1 ना, तो एग्जैक्टली वही पर है. तो डिफरेंशिएशन वी का 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वी.
अब यहां पर प्लस करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ, इसको फर्स्ट इसको सेकंड माने थे तो फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन कर लिए, अब सेकंड लिखेंगे और अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो v के अकॉर्डिंग तो v इनटू dp मिलेगा। यही एग्जैक्टली हम इस दूसरे साइड भी करेंगे, तो फॉर द राइट हैंड साइड वी विल गेट व्हाट, जीरो, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ यू कैन सी हियर फॉर दिस इक्वेशन, सो वी गॉट हियर p प्लस v dp बाय dv इक्वल्स टू जीरो, ओके, फ्रॉम दिस। ओके, तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं, dp अपॉन dv दिस इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन बी, बिकॉज माइनस पी दूसरे साइड हमें अगर हम दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर दें ऑब्वियसली माइनस पी इधर मिलेगा और v डिवाइड करने पर मिल जाएगा माइनस पी अपॉन बी विच विल बी dp अपॉन dv। ओके, सो dp अपॉन dv है क्या, बिकॉज वी आर ड्रॉइंग कर्व बिटवीन p एंड v, ऑब्वियसली द स्लोप विल बी dp अपॉन dv। ओके, जैसा कि लास्ट सेशन में हम देख चुके थे, लास्ट लेक्चर्स में, तो वहां पर हम जो स्लोप निकाल देते y एक्सिस और x एक्सिस के बीच निकाल देते dy by dx, एग्जैक्टली वही चीज यहां पर भी कर रहे हैं। ओके, तो tan थीटा में कितना मिला, माइनस पी अपॉन वी, तो tan थीटा मिलता है आइसोथर्मल प्रोसेस में माइनस पी अपॉन वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, तो इसको आपको याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए tan थीटा यानी कि स्लोप होता है माइनस पी अपॉन वी। नाउ यू कैन सी द स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट जो होता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हम स्पेसिफिक हीट देखेंगे, तो हमें पता है कि C इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा Q अपॉन एन डेल्टा टी, तो अगर C इतना होता है और डेल्टा टी जीरो है, डेल्टा टी जीरो है ऑब्वियसली बात है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस यही बोलता है, तो टी वन इज इक्वल टू टी टू हियर, सो वी विल गेट वॉट, जीरो डेल्टा टी। ओके, सो डेल्टा टी इज जीरो, सो नाउ वी हैव टू पुट डेल्टा टी हियर, सो वी विल गेट व्हाट, डेल्टा क्यू अपॉन जीरो, दैट विल बी इनफिनिटी, सो सी इज इनफिनिटी, मींस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनफिनिटी ना, सो ड्यू टू दिस वैल्यू द स्पेसिफिक हीट विल बी वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ना, इन्फिनिटी, तो स्पेसिफिक हीट बहुत ही ज्यादा यानी कि अनंत होता है ना फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्वेश्चन एक नंबर दो नंबर में आ जाता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितना होता है, दैट विल बी इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट इज आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो पहले हमने देखा था कि बी इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, डेल्टा पी, क्योंकि यही तो हमारे पास डेल्टा पी देता है एफ अपॉन ए विच इज नॉर्मल स्ट्रेस ना, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी विल बी नेगेटिव बिकॉज देयर इज रिडक्शन इन द वॉल्यूम एज वी विल इंक्रीज प्रेशर, सो ऑब्वियसली जो हमारे पास आइसोथर्मल इलास्टिसिटी मिलेगी दैट विल बी डेल्टा वी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो बताओ कि हमारे पास जो अभी वैल्यू मिली थी इसकी डीवी अपॉन वी की, अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि dp अपॉन माइनस dv अपॉन v विल बी व्हाट, p, y, बिकॉज एज वी कैन सी हियर dp अपॉन dv इज इक्वल्स टू माइनस p अपॉन v, सो ऑब्वियसली v विल गेट व्हाट, dp अपॉन dv अपॉन v विल बी व्हाट, माइनस p अपॉन v अपॉन व्हाट विल। ओके, सो इट विल बी 1 अपॉन v। ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट विल कैंसिल आउट v, सो वी विल गेट व्हाट, माइनस p, सो हियर we got what, minus, okay, so minus will multiply this one, so here minus into minus it will be plus, okay, so we got here plus p which will be the e isothermal, e isothermal means isothermal elasticity, okay, so elasticity jo mila that will be p, to bahut hi specific value mila hame kya, p, pressure ki equal hi mil gaya hame isothermal elasticity for the isothermal process, okay, तो ये हमें याद रखना है कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी जो मिलता है आइसोथर्मल प्रोसेस में दैट विल बी प्रेशर, ओके, पी, तो वर्क डन हमारे पास कितना मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क डन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वर्क डन मिलेगा हमें पी इंटू डीवी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल, ये इक्वेशन होता है, हमें हमेशा पता है कि हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, सो डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टू
वी फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी. ओके, सो पीडीवी का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ऑब्वियसली हमें पता है कि पीवी इक्वल्स टू कितना होता है, एनआरटी. यू कैन सी दिस इक्वेशन हियर ना. सो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पी इक्वल्स टू एनआरटी बाय वी. तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वी. तो हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच रहेगा कि पी को चेंज कर ले एनआरटी अपॉन वी के फॉर्म में, मतलब कि वी के फॉर्म में. तो हमें कितना मिल गया, हमें पी मिल गया एनआरटी अपॉन वी. तो अगर हम इंटीग्रेट करें व्हाट पी डीवी, ओके, फ्रॉम वी आई टू वी फाइनल, वी विल गेट व्हाट, वी इनिशियल टू वी फाइनल. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पी एनआरटी अपॉन वी इन टू डीवी. सो इट विल बी व्हाट, बिकॉज हियर द वेरिएबल इज वी, सो वी विल गेट एन आर टी एंड एल एन वी फ्रॉम v initial to v final. So here v final, okay, so here we can write it like n r t as a constant, and it will be what, n v final minus v initial in ln. okay, so ln v initial, so it will be n r t, okay, and into ln vf upon vi, because this is in minus, so we can write it as in the form of ratio. So here we got nrt ln vf upon vi, this is w. okay, so this vf upon vi is called as expansion ratio. This is very important point. Okay, whenever we have to calculate expansion ratio, then we will use this equation, okay, this w. So we have to calculate vf upon vi, so we have to take anti-log for the calculation of vf upon vi, expansion ratio. So now, as we know, the isothermal equation is pv equals to constant, so we can write for the initial and final stage pv equation. So pv equals to pi into vi equals to pf into vf. Okay, so this will be the equation for the isothermal process. So here we can write as vf upon vi equals to pi upon pf, okay, for the calculation of v upon vi. This will be expansion ratio. Now we have to use this value in place of vf upon vi. So now we have to put bi upon pf in place of v upon vi. So we will get this one equation, w equals to nRT ln v upon vi. So this is the work done in the isothermal process. Now what will be the first law of thermodynamics in isothermal process? You can see here delta T is 0 and delta U is also 0 in the isothermal process. This is very important point for the isothermal process. You have to remember that delta U means internal energy will be 0 for the isothermal process. Okay, so now we have to put this value in the first law of thermodynamics, that will be Q equals to delta U plus W. So delta U will be 0, so plus W will be equal to Q, so Q will be W. So we got heat equals to work done. Okay, so this is the equation. So we have to remember this equation, Q equals to W for the isothermal process. Now we will study about adiabatic process in next lecture, and the other question for the different types of processes of thermodynamics. Okay, thank you for watching this video. Subscribe and share this video.